Assalamu alaikum everyone. Welcome to today's lecture. Our today's lecture is about communicating the customer value and integrated marketing communications. ठीक है? In simple words, आज हम बात करेंगे promotion के बारे में. देखें, what is promotion? ठीक है, promotion is all about communication. ठीक है, जब हम बात करते हैं प्रोमोशन की, सो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट इट इज अबाउट कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर्स. ठीक है, अब हम किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, हाउ वी कम्युनिकेट, वी हैव डिफरेंट टूल्स फॉर दैट एंड वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन अ व्हाइल. बट रिमेंबर दैट प्रोमोशन मीन्स कम्युनिकेटिंग द मेरिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट विद द कस्टमर, और there can be many possible motives for that communication, but an important thing to remember is that promotion is all about communications. ठीक है, so just give me a minute please. ठीक है, सो कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं, प्रमोशन की जब हम बात करते हैं, तो इट मींस कम्युनिकेशन. व्हेनेवर वी आर प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट, वी यूज अ प्रमोशनल मिक्स. प्रमोशनल मिक्स क्या होता है? द प्रमोशनल मिक्स इज अ स्पेसिफिक ब्लेंड ऑफ डिफरेंट टूल्स ऑफ प्रमोशन. ठीक है, दैट वी यूज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट द वैल्यू विद द कस्टमर एंड बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द कस्टमर. ठीक है, प्रमोशन मिक्स क्या होता है? हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं दैट वी यूज फॉर प्रमोशन टू कम्युनिकेट विद आर कंज्यूमर्स, ताकि उनको परसुएट किया जाए कि वो हमारा प्रोडक्ट ले लें एंड टू बिल्ड अ कस्टमर रिलेशनशिप. नाउ व्हाट आर दोज टूल्स? प्रमोशन मिक्स के हमारे पास मुख्तलिफ टूल्स हैं. द फर्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग. ठीक है, एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि इट इज एन पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, पेड फॉर्म ऑफ नॉन कम्युनिकेशन. देखिए, एडवर्टाइजिंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रमोशन दैट वी यूजली कम अक्रॉस. हम टीवी लगाते हैं, हम मोबाइल फोन्स पे देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम अपने लैपटॉप्स पे देखते हैं, हम बाहर बिल बोर्ड्स पे देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, हर जगह हमारे पास डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स आए हुए होते हैं. ठीक है, if we break down this definition, if we look at it, देखें, advertising, the first thing is that it will always be paid. Advertising हमेशा एक paid form of communication होगा. ठीक है, जो भी advertisement देता है, he actually pays for it. And the second one is that it is non-personal communication. ठीक है, ये live person-to-person contact नहीं होता, it is through some medium and it is non-personal. इसमें personal contact involved नहीं होता. अखबार में आप एड देखते हैं, देर इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट. आप टीवी में एड देखते हैं, देर इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट. आप रेडियो पे एड सुनते हैं, देर इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट. ठीक है, सो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट इट विल ऑलवेज बी पेड एंड द सेकंड वन इज दैट इट इज नॉन पर्सनल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट हमारे पास आ सकती हैं, ब्रॉडकास्ट होती हैं थ्रू रेडियो और टीवी मुख्तलिफ. ठीक है, प्रिंट होता है अखबारों में, मैगजीन्स में. वी हैव एडवर्टाइजमेंट्स ऑन इंटरनेट. आप फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, बेतहाशा एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं. एंड देन वी हैव आउटडोर एडवर्टाइजमेंट्स, जो बिल बोर्ड्स वगैरह हमें नजर आती हैं. उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन क्या होता है? दीज आर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स दैट वी गिव टू द कस्टमर्स, ताकि एक टेम्पररी टाइम के लिए हमारी डिमांड बूस्टअप हो जाए. सेल्स प्रमोशन में क्या आता है? जो डिस्काउंट्स आते हैं हमारे पास, कूपन्स आते हैं. ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं. एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज आर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, ये परमानेंट नहीं होते, दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म. फॉर एग्जांपल, जो डिस्काउंट्स वगैरह हमारे आते हैं, आपने देखा होगा कि दोज आर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, कि रमजान में डिस्काउंट लगा दिया जी, ताकि कोका कोला की सेल बढ़ जाए. ठीक है, ईद पे डिस्काउंट लगा दिया, समर जब एंड हो रहा होता है, एक सेल अनाउंस कर दी जाती है. एंड द रीजन फॉर दैट इज कि जब सीजन एंड हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल आउट हो जाए. ठीक है, सो दीज टेम्पररी इंसेंटिव्स कैन बी इन मेनी फॉर्म्स. इट कैन बी इन द फॉर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स, एक के साथ एक फ्री ऑफर दे दी, ये भी एक सेल्स प्रमोशन का तरीका है. कभी कभी ऐसे करते हैं कि एवरी डे के साथ आपने एक मग लगा दिया, एवरी डे के साथ आपने लिप्टन चाय का एक छोटा पैक, टपाल चाय का एक छोटा पैक लगा दिया. ठीक है, सो दीज स्मॉल इंसेंटिव्स आर टू इनकरेज द कस्टमर्स टू परचेज द प्रोडक्ट मोर. ठीक है,
द नेक्स्ट थिंग इज पब्लिक रिलेशनशिप, पब्लिक रिलेशंस. पब्लिक रिलेशंस का जो जो पर्पज है दैट इज टू बिल्ड अ गुड इमेज ऑफ द कंट्री. ठीक है, कंट्री नहीं सॉरी, ऑफ द ब्रांड. ठीक है, और द कंपनी. कुछ इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है ब्रांड को, ताकि एक अच्छा इमेज बने, एक अच्छी उनकी रेपुटेशन बने. फॉर एग्जाम्पल, मुख्तलिफ कंपनीज आपने देखी होंगी, वो क्या करते हैं कि दे डू सम एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम टाइप चीज कर ली, या क्लीनलीनेस अवेयरनेस प्रोग्राम कर ली, या अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, अर्थक्वेक वगैरह, उसमें अपने अपने कैंप्स लगा दिए जाते हैं. सो सच टाइप ऑफ पब्लिक बेनिफिट एक्टिविटीज एंड विच आर एम्ड फॉर क्रिएटिंग अ गुड इमेज ऑफ द कंपनी आर नोन एज पब्लिक रिलेशंस. ठीक है, प्रेस रिलीजेस, स्पॉन्सरशिप्स, किसी इवेंट को स्पॉन्सर कर दिया जाता है. ठीक है, और स्पेशल इवेंट्स करा दिए जाते हैं. जिस तरह सेफ गार्ड है, उन्होंने रिसेंटली अपनी एक मुहिम चलाई कि दे स्कूल टू स्कूल वो लोग जाते रहे एंड दे एक्चुअली अपने प्रोडक्ट की एक इमेज बनाने के लिए. ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट टूल इज पर्सनल सेलिंग. नाउ पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, जिस तरह आपने कहा एडवर्टाइजिंग में पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं होता, पर्सनल सेलिंग में देयर इज पर्सनल कॉन्टैक्ट. सेल्स पर्सन जो होते हैं वो पर्सनली जाते हैं एंड दे गिव डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रेजेंटेशंस एंड द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टू कन्विंस द कस्टमर टू बाय देयर प्रोडक्ट. ठीक है, पर्सनल सेलिंग इन यूजुअल केसेस ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए होता है विच आर मोर कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर, जिसमें क्वेश्चन राइज होने का ज्यादा चांस होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक बैंक की पॉलिसी है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके पॉइंट्स होंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है. अब ये इन इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ये क्वेश्चंस हम एडवर्टाइजमेंट में आंसर नहीं कर सकते. ठीक है, पर्सनल सेलिंग कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज अ फॉर्मल बिजनेस प्रेजेंटेशन, और इट कैन बी वेरी सिंपल एज, जिस तरह हम देखते हैं कि हम बाहर जा रहे होते हैं, बंदा एक उसने अपने एक बोर्ड पे मुख्तलिफ किस्म की ग्लासेस लगाई हुई होती हैं, 200-300 रुपए की हम उनसे ले लेते हैं. सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पर्सनल सेलिंग. ठीक है, फिर द नेक्स्ट थिंग इज डायरेक्ट मार्केटिंग. डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग बेसिकली हम एक केयरफुली सिलेक्टेड टारगेट ऑडियंस को पहले टारगेट कर देते हैं and then we communicate with them through a very direct and personalized means, like emails, like telephones, emails, wagaira wagaira. Theek hai, so this was all about the tools. Theek hai, now the next concept that is very popular these days is known as integrated marketing communications. Integrated marketing communication hame kya batata hai ki ye tamam tools to hum use karte hain. Theek hai, अगर सारे नहीं भी करते होते हैं तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन और एवरी ब्रांड बेसिकली 2-3-4 तो हम एक टाइम पे यूज कर ही रहे होते हैं फॉर प्रमोशन. ठीक है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मींस के जो हमारे तमाम टूल्स हम यूज कर रहे होते हैं, जो भी यूज कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग है या डायरेक्ट मार्केटिंग है या सेल्स प्रमोशन है, वट एवर इट इज, ऑल ऑफ देम मस्ट गिव अ वेरी क्लियर एंड अ वेरी कंसिस्टेंट इमेज ऑफ द ब्रांड. ऐसे ना हो कि एडवर्टाइजिंग में ड्यू का इमेज बड़ा एडवेंचरस आता है, बट जब उसकी पर्सनल सेलिंग टीम आती है तो उसमें बड़े ट्रेडिशनल और मेच्योर किस्म के लोग हों. ठीक है, सो दिस क्रिएट्स अ क्लैश ऑफ द इमेज, एंड क्लैश ऑफ इमेज इज ऑलवेज डेंजरस फॉर अ ब्रांड. ठीक है, सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन मीन्स के जौन सा भी हम टूल यूज करें, एवरी वन ऑफ देम मस्ट गिव अ कंसिस्टेंट एंड अ क्लियर मैसेज एंड इमेज ऑफ द ब्रांड. ठीक है, so this was about promotion. If you have any questions, you can please ask me in the live session. Thank you.